नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पंप सेट का 6.5 का लाइनर और पिस्टन कैसे रिप्लेस करें अपने आप से। किसी मकैनिक की हो सकता है आपको ना ज़रूरत पड़े। मैं तो ये कहता हूँ कि सबको अपने आप से ही इंजन रिपेयर करना सीख जाए। तो देख सकते हैं, अब हमारा ये लाइनर हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑयल उठा रहा था तो इसका लाइनर कट गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कट दिखाने के लिए मैंने वीडियो को, और ये साइड में कटा है, ये देखिए साइड में ही, इधर ही साइड कटा है, पूरा लाइनर नहीं कटा है। अगर लाइनर साइड से कट रहा है तो आपका इंजन ऑयल उठाने के ज़्यादा चांसेस में रहता है। और नीचे की तरफ लाइनर कभी कटता नहीं है। यहाँ से आप चाहे नया हो लाइनर आपका, चाहे पुराना, यहाँ से आपका लाइनर नहीं कटता है। जहाँ पे डीजल फूकता है वहाँ पे ही कटता है। और नया रिंग भी डाला जा चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपका मोबिल उठाना नहीं बन गया। तो हमें नया लाइनर पिस्टन ले आए हैं, 85 mm किर्लोस्कर मॉडल। ये इसमें रिंग आपको मिलेंगी फिटेड विद गोट्स स्प्रिंग लोडेड रिंग, कि स्प्रिंग लोडेड जो रिंग होता है तो इसमें ऑयल उठाने की शिकायत कम रहती है। कंप्लीट सेट विद रिंग, ये लाइनर होगा, पिस्टन होगा, गजन पिन होगी और ये रिंग आपका होगा। इतना आइटम और पिस्टन लॉक भी साथ में होते हैं। और ये मैंने सर्वो कंपनी का ऑयल मंगवाया है, यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 लीटर का है, अच्छा काम करता है। गैसकेट हमारा हो गया, रॉकर पैकिंग होगी, साइड प्लेट पैकिंग हो गई, ये 85 mm का गैसकेट हो गया है। और ये CR बैरिंग 110 नंबर AB1 साइज है, CL कॉपर में। और देख सकते हैं इसकी वाल भी वाइट कलर के हो गए, जब इंजन ऑयल ज़्यादा उठाता है तो वाल वाइट कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए ऑयल इतना ज़्यादा खपत कर रहा था कि 10 घंटे में 1 लीटर ऑयल खपत कर रहा था। ये पुराना गैसकेट है, ठीक है, फिलहाल नया हम बदलेंगे। और ऑयल ना रहने की वजह से आप CR बैरिंग दोनों ख़राब हो गए थे, देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर का है और रगड़ के इसमें खपत हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑयल नहीं रह गया था। इसी की वजह से बहुत दिनों से ये समस्या आ रही थी। ये भी देख सकते हैं 110 C नंबर हैं। तो पहले तो हम लाइनर को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं। मैंने लकड़ी का एक गट्टक मंगवाया, इसे हम थोड़ा थोड़ा इस टाइप से इसमें चोट लगाएंगे। ये देखिए हमारा लाइनर थोड़ा खिसक आया है, जमीन उसके बॉडी के बराबर हो गया है, ये देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार के आपको वीडियो देते रहते हैं। तो हम लाइनर को पहले हम निकालेंगे, उल्टा को सीधा खड़ा कर देंगे और इस तरफ से चोट का हल्का हल्का सहारा देके हम बाहर इसे निकाल देंगे। तो इसकी गजन पिन की मदद से हल्की हल्की चोट लगा के इसे हम देख सकते हैं, अभी आपका ये अलग हो जाएगा। बस आपका लाइनर निकल चुका है, इसमें जो कचड़ा भरा होता है उसके लिए हम अभी इसको पहले निकालने, देखिए कितना मिट्टी निकला है इसमें। तो इसको हम कचड़ा निकाल के मैंने यहाँ पे धुलावा दिया है पानी से, देख सकते हैं आप अंदर। और इसकी हम इसकी कोर रिंग की सहायता से इसकी सफाई करेंगे, जितना जितना कोर होता है इधर का और नीचे का। नीचे भी सफाई कर लीजिए अच्छे से, ताकि जो लाइनर रबड़ होता है यहाँ पे सही जगह पे सटीक रुक जाए और रबड़ कटे भी ना। तो इसी पर अच्छी सफाई करेंगे तभी अच्छा काम होगा आपका। अब हम लाइनर ब्लॉक बॉडी को ऊपर रख देंगे, उसके बाद में हम लाइनर को खोलते हैं। इसमें देखें कितना आइटम साथ में आया है, अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें लाइनर रबड़ है, वाटर लॉक और पिस्टन लॉक है, देख सकते हैं, दो दो आइटम इसमें भी रखे गए हैं। गजन पिन आपके पिस्टन में ही लगी हुई है और ये इसमें रिंग लगा हुआ है।
जो इसमें बताया गया था कि स्प्रिंग लोडेड रिंग लगा है, आप देख सकते हैं स्प्रिंग ही इस पिस्टन में लगा है, क्योंकि ये ऑयल के लिए बेस्ट माना जाता है कि आपका इंजन ऑयल नहीं उठाएगा। और इसका वाटर लॉक फिर इस पर लगाते हैं और आपका आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपको इसी तरह के वीडियो देते रहते हैं। हल्का हल्का ग्रीस लगा के इस पर लगा लीजिए और इसे ऐसे फिट कर दीजिए ताकि ग्रीस की वजह से उसी जगह पे बैठ जाए, कहीं पे अटकने का प्रयास ना हो। अगर अटक जाती है रबर तो आपकी रबर कटने से मोबिल ऑयल में पानी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितना अच्छा ग्रीस इस जगह पे लगा लेंगे तो आपकी लाइनर रबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। देखिए मैंने इसमें भी लगाया है, पहले हाथों से इसे सेट कर लीजिए कहाँ पे उसके होल बॉडी पे जहाँ पे सीधा जा रहा हो। तो थोड़ा तो हम लकड़ी का यहाँ पे सहारा लेंगे, हम तो दूसरे को सलाह देते हैं नहीं इसे ठुकाई करें। फिलहाल हमारा नरम ही है तो हम हल्के ही एक दो हथौड़ी से हमारा लाइनर बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पाँच, आप देख सकते हैं हमारा लाइनर फिट हो गया, क्योंकि ये नरम ही था तभी मैंने लगाया, नहीं तो हेड लगा के आप इसे सेट कर देते हैं तो अच्छा रहता। तो हमारा लाइनर देखिए अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। और हम फिर अब कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे देख सकते हैं, गजन पिन को मैंने थोड़ा निकाल लिया है और कनेक्टिंग रॉड को अच्छे से सफाई कर लें। वो इसमें हल्का थोड़ा ग्रीस भी लगा लें ताकि नया है तो इसमें पहले इसे इसका होल फिक्स करिए, ना ही ढीला हो ना ही टाइट हो। ये होल ज़रूर चेक करना है आपको, नहीं तो ऑयल उठाने की शिकायत हो सकती है। अगर यहाँ पे अगर आपकी जंपिंग है थोड़ा इसमें ग्रीस लगा लीजिए ताकि मोबिल जब तक मिले तब तक ग्रीस की मदद से चलता रहे। हल्का हल्का हथौड़ी की मदद से गजन पिन को फिट बैठा दीजिए। अब देख सकते हैं इसकी फिर उसका प्लेस चेक कर लें ताकि ये पता चल जाए कि गजन पिन और कनेक्टिंग रॉड के बुश में कोई जगह प्ले नहीं है। तो पिस्टन लॉक को अच्छे से लगा के और नोक की वजह से हल्का पूरा लॉक इधर उधर घुमा के देख लें ताकि ये पता चल जाए कि हमारा चल रहा है या रुका हुआ है या सटीक जगह पर बैठ गया है। तो पिस्टन को अच्छी तरह से सफाई कर लें। ये देखिए इसमें पूरा नया है, इसमें कंपनी का ये पिस्टन कटिंग होता है। तो हम अब इसमें थोड़ा नया ऑयल रिंग में लगाएंगे ताकि लाइनर में ऑयल की मदद से अच्छे से रिंग अपनी जगह पे सटीक जा सके। थोड़ा लाइनर में भी लगा दीजिए ताकि ये समझ स्टार्टिंग में हल्का कंप्रेसर हैवी बना के इंजन जल्दी में स्टार्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। रिंगों के सारे जो कट होते हैं जो आपको इधर उधर रखने हैं तो यहाँ पे हम हाथों की ही मदद चढ़ाएंगे, पेचकस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं रिंगों के कट सब इधर उधर कर दीजिए ताकि इधर उधर से कंप्रेसर सीधा बाहर की तरफ ना निकल सके। दो रिंग अंदर जा चुकी है, तीसरा रिंग हमारा जाने को है, देख सकते हैं। ऐसे ही आपको रिंग को फिट करना है। आहिस्ता आहिस्ता फिट करें क्योंकि स्प्रिंग लोडेड रिंग में पेचकस से आप नहीं लगा सकते क्योंकि रिंग टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम सीआर बैरिंग भी नीचे ही लगा देंगे ताकि अंदर ज़्यादा परेशानी ना हो लगाने में। तो हमारा सीआर बैरिंग लग चुका है और हम इसे बॉडी पे रखते हैं। फिर आपको हमारा इंजन अब बंधने के लिए तैयार है और अपनी अपनी जगह पे उसको फिट करते हैं, फिर आपको इंजन स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो पहले तो हम सीआर बैरिंग को ही फिट करेंगे ताकि हम व्हील घुमा के पिस्टन का लेवल और चेक कर सकें कितना लेवल हमें चाहिए कितना लेवल बचा है। तो सारी जानकारी पहले यहाँ से ही सेट करने के बाद ही आपको
व्हील घुमा के आप क्लियर कर पाएंगे। तो पहले हम इसे ही पक्का करते हैं, नीचे से ही पूरे बोल्ट को टाइट करके आप इस यहाँ के पिस्टन लॉक को, ये पिस्टन लॉक नहीं बिगिन लॉक को यहाँ से पक्का कर दीजिए, और उसके बाद में ऊपर का फिर हेड जो ये बॉडी बोल्ट हैं इन्हें टाइट कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं पिस्टन लॉक चारों बोल्ट पहले चेक कर लीजिए, फिर उसमें पिस्टन लेवल को चेक करने के लिए आप यहाँ पे व्हील घुमा के ये देख सकते हैं, पिस्टन को टॉप में रखें, व्हील चाबी को देख लें ताकि आपको पता चले कि हमारा पिस्टन टॉप में ही है। अब यहाँ पे लाइनर कोर पिस्टन का लेवल देख सकते हैं, यहाँ पे पिस्टन का जो स्पेस होता है लाइनर से वो 1 mm और लाइनर का ब्लॉक बॉडी से स्पेस होता है वो 0.5 mm, ये आपको जानकारी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है ये गैस्केट जो होता है एल्युमिनियम जो प्लेट होती है वो नीचे की तरफ रहती है और जो लोहा जो ब्लेड होती है वो ऊपर की तरफ रखी जाती है, ये भी हम आपको बताते चलें, क्योंकि कुछ लोग गैस्केट को उल्टा भी रख देते हैं तो उसको सटीक अपनी जगह पे चिपकने में थोड़ी दिक्कत होती है जगह पे बैठने में। तो गैस्केट जो आप डालें उसमें नीचे की तरफ एल्युमिनियम ब्लेड होनी चाहिए, ऊपर की तरफ लोहा ब्लेड, और हल्का ग्रीस लगा देते हैं यहाँ पे, तो आपका इधर उधर से ऑयल नहीं निकलेगा और पानी भी नहीं निकलेगा, और कभी भी आप खोलेंगे तो आपका गैस्केट सुरक्षित निकलेगा। अगर सुलेशन बाउंड गैस्केट बाउंड का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब कभी भी खोलते हैं तो आपका गैस्केट फट जाएगा, तो इसीलिए हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपको ये अच्छा ना लगे, तो फिलहाल मैं अपनी आगे की बचत सोचता हूँ, कभी एमरजेंसी खोलना पड़े खेत में तो आपका सामान यही काम दे जाए। हेड को अपनी जगह पे उसी जगह टाइट कर दीजिए, चारों बोल्ट टाइट हो गए हैं और हम इसे पुश रॉड को अपनी जगह पे फिट करेंगे। देख सकते हैं पुश रॉड भी फिट हो गया, हमारा रॉकर पैकिंग नया मंगवाए थे, ये लगाने के बाद में रॉकर हमारा फिट हो चुका है। रॉकर बोल्ट सेटिंग करने के बाद में हम इसे प्लेट को, साइड प्लेट को मैंने ऑयल डलवा दिया है 3.5 liter, आप दिखाया था आपको जो सर्वो का मोबिल, सारे बोल्ट प्लेट सारा कुछ हमारा टाइट हो चुका है, देख सकते हैं अभी टाइट हो रही है, ये भी टाइट हो गया है, तो हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि हाँ इंजन स्टार्ट हुआ है, कितना अच्छा चल रहा है, कितना स्मोक कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑयल का एक भी कण नहीं मिलेगा, मैंने इसमें इसीलिए ये बहुत वाइट स्मोक कर रहा था और अच्छा चल भी नहीं रहा था, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया है। देख सकते हैं जो हमने आपको दिखाया वही इसमें वही इंजन है, वही आपका सेम फिटिंग मॉडल है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब।